हिमाचल प्रदेश में बेमौसमी बरसात ने सेब बागवानों को 250 करोड़ का नुकसान पहुंचाया है। जनवरी से मार्च तक जब बारिश व बर्फबारी की जरूरत थी तो मौसम की बेरुखी के चलते सूखा रहा, लेकिन अप्रैल व मई माह में सामान्य से ज्यादा बारिश, ओलावृष्टि व बर्फबारी ने सेब बागवानों की कमर तोड़ दी है। रही सही कसर बीमा कंपनियों ने निकाल दी है, जिन्होंने बीमा के नाम पर करीब 1500 से 8000 रुपए प्रीमियम काटा है, लेकिन नुकसान होने पर 15 से 75 पैसे मुआवजा देकर मजाक किया गया। सेब फल फूल सब्जी उत्पादक संघ के अध्यक्ष हरीश चौहान का कहना है कि बेमौसमी बारिश, ओलावृष्टि व बर्फबारी ने बागवानों की कमर तोड़ कर रख दी है। ओलावृष्टि के साथ आंधी ने सेब के पेड़ तक उखाड़ डाले, जिससे बागवानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। आंकलन सिर्फ 250 करोड़ का है, लेकिन ये नुकसान 500 करोड़ से ज्यादा का हो सकता है। सरकार हर बार नुकसान का आंकलन तो करती है, लेकिन मुआवजे के नाम पर बागवानों को कुछ नहीं मिलता है। सरकार की बागवानों के नुकसान के भरपाई के लिए एक सेब संरक्षण कोष गठित करना चाहिए, ताकि उनको उचित समय पर मुआवजा मिल सके। रिपोर्ट जो है सरकार ने सबमिट करी है, तो इसमें हमने फल सब्जी उत्पादक संघ ने आग्रह किया कि ये रिपोर्ट जो है ज़्यादा भी हो सकती है, लगभग 500 करोड़ के आसपास भी हो सकती है, क्योंकि आंकलन पूरी तरह से नहीं हुआ। और सरकार से आग्रह किया कि जैसे सरकार और सरकारें भी करती आई आज तक, और हर वर्ष जो है आंकलन ही होता है, इस वर्ष ये जो है आंकलन तक ही सीमित ना रहे, बल्कि कि बागवानों को कोई पुख्ता मुआवजा मिले या उनकी कोई सहायता सीधे रूप से हो सके, ये हमारा आज प्रमुख विषय रहा। एक पूरे देश में एक बहुत बड़ा नेक्सस चला हुआ है, ये एक पूरी तरह से किसानों बागवानों को पूरे देश में जो है एक लूट का धंधा शरेआम चला हुआ है। इसके लिए हमने पिछली बार सरकार से भी आग्रह किया था कि, और आज हमने आदरणीय मंत्री जी से भी ये क्वेश्चन किया, उन्होंने कहा कि हम इसमें सरकार पूरी तरह से संजीदा है और बागवानों किसानों को इसमें राहत देने के लिए चाहे हमें केंद्र सरकार से भी आग्रह करना पड़ेगा, वो भी करेंगे। और ये एक बहुत बड़ा भ्रम फैला देते हैं, खासकर जो ये बैंकर्स हैं और ये इंश्योरेंस कंपनीज है, ये कई तरह के प्रलोभन देकर और केसीसी से डायरेक्ट काटते हैं, जबकि केसीसी से डायरेक्ट नहीं काटते, और आज तक किसानों बागवानों के खातों में जो है इंश्योरेंस का फायदा नहीं मिलता। और ये जो प्राकृतिक आपदाएं हुई है, हमारा तो ये मानना है कि अगर ये इंश्योरेंस कंपनियां सही होती और ये स्कीम सही होती तो आज हमारे को सरकार को और किसी और के पास नहीं जाना पड़ता, सीधा इंश्योरेंस कंपनी से हमें फायदा मिलता। उधर बागवानी मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर भी मानते हैं कि इस बार बेमौसमी बरसात, बर्फबारी व ओलावृष्टि से बागवानों को भारी नुकसान हुआ है, जिसका आंकलन 250 करोड़ किया गया है। राज्य सरकार के पास इतना पैसा नहीं है कि वह इसकी भरपाई कर सके, इसलिए केंद्र को आंकलन भेजा जाएगा। बीमा कंपनियों द्वारा बागवानों से ठगी पर महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि मामला गंभीर है, इसलिए मामले की जांच के लिए SIT गठित की जाएगी। यदि जरूरी हुआ तो किसी केंद्रीय जांच एजेंसी से मामले की जांच करवाई जाएगी। बर्फबारी की वजह से, ओलावृष्टि की वजह से जो नुकसान हुआ है वो रिपोर्ट हमारे पास पहुंची है, जो लगभग 250 करोड़ की है। उसको हम भारत सरकार से भी टेकअप कर रहे हैं, उसको हम कैबिनेट में ले जाएंगे। क्या कहाँ से कैसे मदद की जा सकती है, उस मदद को करने के लिए हमारा भरपूर प्रयास रहेगा, क्योंकि जो वित्तीय स्थिति आज विश्व की है, भारत अपने हमारे देश की है, हमारे प्रदेश की है, वो किसी से छुपी नहीं है। प्रयास करना, कोशिश करना हमारा काम है। इंश्योरेंस कंपनी जो है आई, जो केवल मात्र जिन्होंने बैंकों से लोन लिया है, उन्होंने केवल मात्र उन बैंकों के खाता धारकों को ही पकड़ा। और मैं ऐसा समझता हूँ कि मैंने विधानसभा के अंदर भी कहा है, उसके बाद हमारी बैठक हुई, मैंने उससे भी कहा है कि उसमें बैंक के अधिकारियों की और कंपनी के अधिकारियों की मिलीभगत से एक बहुत बड़ा नुकसान जो है हिमाचल प्रदेश के बागवानों को हुआ है। मैं आज भी और पहले भी और आगे भी इस बात पे मैं अपने बागवानों के साथ हूँ कि उस पर उसकी हम बाकायदा उसकी रिपोर्ट अभी मेरे पास आई नहीं है, जैसे आएगी उसके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे। हमें आवश्यकता पड़ेगी, हम आगे बढ़ करके भी अगर किसी सेंटर
सेंट्रल एजेंसी से उसकी इन्वेस्टिगेशन करानी पड़ेगी, तो हम उसके लिए भी आगे दो कदम आगे बढ़ करके जो है इंक्वायरी। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए शिमला से सोनी की रिपोर्ट। हिमाचल के सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर। सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर। शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज। तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजें अपना बायोडाटा HR@goyalmotor.com पर।